अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के साथ करें जॉब ओरिएंटेड कोर्स, बीटेक, पॉलिटेक्निक, होटल मैनेजमेंट सहित अन्य प्रोफेशनल कोर्स। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें एलराज एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, आंध्रधाला ओवर ब्रिज के नीचे, सिवान। छलका हिना शहाब का दर्द, कहा पहले शौहर को खोया, अब साजिश के तहत फंसाया जा रहा है बेटे को। जिला प्रशासन से निर्दोष बेटे को न्याय दिलाने की लगाई गुहार। आंचल फैलाते हुए कहा, मेरे बेटे का इस घटना से कोई लेना देना नहीं। कहा, अगर नहीं मिला न्याय तो पूरे परिवार सहित छोड़ दूंगी सिवान। MLC चुनाव में भाग आजमाने वाले रईस खान पर हमला मामले में दिवंगत पूर्व सांसद के पुत्र सहित 8 के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इस मामले में दिवंगत पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र उसामा शहाब का नाम सामने आने के बाद सिवान की सियासत में भूचाल सा आ गया है। सिवान की जनता, खासकर शहाबुद्दीन परिवार के समर्थकों के द्वारा रईस खान को जमकर टोल किया जा रहा है। समर्थकों का कहना है कि रईस खान के द्वारा उसामा शहाब को फंसाने की साजिश की जा रही है। इसी बीच गुरुवार को दिवंगत पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी राजद नेत्री हिना शहाब ने प्रेस वार्ता कर जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, उनके परिवार के साथ में अंदाजा नहीं है। कहा कि पहले शौहर को खो दिया, अब विरोधियों द्वारा उनके बेटे को फंसाने की साजिश की जा रही है। बेटे के नाम जबरदस्ती सियासी वजहों से घसीटे जाने से बेहद ही दुखी राजद नेत्री हिना शहाब ने आंचल फैलाते हुए सिवान जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए बेटे को निर्दोष बताया। उन्होंने कहा कि मैंने अपने शौहर को अपनी आंखों के सामने खो दिया, अब इकलौते बेटे को सियासी वजह से जानबूझकर फंसाने की साजिश की जा रही है। मैं घायल महिला हूँ, मैं 18 साल अपने पति से दूर रही और शहाब के आने का इंतजार करती रही। इस बीच मेरे पति के साथ घटना घट गई। मैं अब नहीं चाहती कि मेरे बेटे के साथ कोई हादसा हो। मैं अब नहीं चाहती कि मेरे बेटे के साथ कोई हादसा होता है तो मैं यहाँ क्या करूँगी। पहले ही मेरा सुहाग उजड़ गया, मैं नहीं चाहती कि मेरी कोख उजड़े। मैं किसके भरोसे रहूंगी, अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम लोग अपना घर परिवार और सिवान छोड़कर चले जाएंगे। गोलीबारी की प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद रईस खान अपने फेसबुक के माध्यम से लाइव आए। उन्होंने कहा कि जल्द ही सिवान के लोगों को पता चल जाएगा कि मैं फंसा रहा हूं या सच में मेरी हत्या की साजिश रची गई है। मुझे जिला प्रशासन पर पूरा भरोसा है, जल्द ही सच सबके सामने आ जाएगा। न्यूज जीरो तक से परवेज अख्तर की रिपोर्ट। मैं अपने आंचल को फैला कर कह रही हूँ कि इस वक्त एक माँ की गुहार है कि मेरे बेटे को इंसाफ मिले। और मैं चाहती हूँ प्रशासन से, सभी जो जिला के जो बड़े लोग हैं और सभी हमारे भाई बहनों, चाहे वो किसी भी दल के हों, किसी भी दल के नेता हों, चाहे वो गरीब गुरबा हमारा भाई बंधु हो, सभी की एक आवाज़ होनी चाहिए कि मेरा बेटा निर्दोष है। एक माँ की अपील को लोग स्वीकार करें और दुआएं करें कि मेरा बेटा सही सलामत निर्दोष साबित हो जाए, ताकि वो हमारा बेटा आए और अपने सिवान जिला का सेवा करे। मैडम, उस समय क्या है, ऐसी बात आई है कि मैं बहुत घायल महिला हूँ। मैंने 18 साल पति से दूर रही, उन्हें इसी तरह से साजिश के तहत फंसाया गया था और 18 साल हम लोगों ने इंतज़ार किया कि अब मेरे साहब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। लेकिन जब 18 साल बीत गया और रिजल्ट आया कि उनके साथ घटना घट गई इतनी बड़ी, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। अगर मेरे बेटे के साथ तो ऊपर वाला ना करे, छोटी सी भी अगर हादसा होती है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ रह के किसके भरोसे रहूँगी। जब मेरा मांग में उजड़ जाए, मेरी गोद उजड़ जाए, तो मैं यहाँ नहीं रहूँगी। थैंक यू।